देश भर में एनएमसी बिल का विरोध कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स के समर्थन में अमृतक और अस्पताल के सेवारत डॉक्टर्स भी उतर गए हैं। बिल के विरोध में एकेएच के डॉक्टरों ने 2 घंटे तक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने कलाई पर काली पट्टी बांधकर मरीजों का उपचार किया। डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि प्रस्तावित एनएमसी बिल में भारत के सभी डॉक्टरों की ओर से वांछित संशोधन भारत सरकार की ओर से नहीं किए जाने के विरोध में डॉक्टरों ने सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया है। अगर समय रहते बिल में संशोधन नहीं किया गया तो डॉक्टरों की तरफ से उग्र आंदोलन किया जाएगा। गुरुवार को काली पट्टी बांधकर विरोध जताने वालों में डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, डॉक्टर सुनील कुमावत, डॉक्टर एसएस चौहान, डॉक्टर राकेश मीना, डॉक्टर गोपाल गोठवाल, डॉक्टर विवेक भटनागर, डॉक्टर दिनेश जैन तथा डॉक्टर प्रदीप जैन आदि शामिल थे। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक सबके ब्रिकोर्स चालू कर दिए तो सब अब एलोपैथिक दवाई लिख सकते हैं। उसके अलावा जो प्रीपीजी का एग्ज़ाम होता था पहले, साल 5 या 5.5 साल बाद तो एक प्रीपीजी का एग्ज़ाम होता था प्रैक्टिस के लिए अलाउ करने के लिए पीजी के लिए, उसको ख़त्म करके सरकार ने एक एग्जिट एग्ज़ाम बना दिया है, नेक्स्ट बोलते हैं जिसको। तो उसी के आधार पर अब क्या होगा कि जो होगा सलेक्शन होगा पीजी में। तो अब जो है इसमें सिफारिश भी चल सकती है क्योंकि ये एमबीबीएस का फाइनल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही होगा। तो अब इसमें कोई नेता का है या किसी कोई अप्रोच वाला बंदा है, किसी टीचर का लड़का है, तो उसके साथ पार्शलिटी हो सकती है। ट्रांसपेरेंसी जो होगी पीजी एग्ज़ाम की वो ख़त्म हो जाएगी। मेन चीज़ वो है जो ट्रांसपेरेंसी है, वो जो पहले भी ऐसा होता था 2000 के पहले ऐसे ही चलता था, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती थी। तो सरकार ने ये ऑब्जेक्टिव का बनाया था प्री पीजी का, अब वो ख़त्म करके वापस उसी को ला रहे हैं, जिससे जो अप्रोच वाले लोग होंगे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा और जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी आगे। ठीक है, और भी है।